आज से छोटी काशी मंडी का 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव शुरू होने जा रहा है और इसकी शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंडी पहुंचने वाले हैं। दोपहर करीब 2 बजे वो मंडी पहुंचेंगे और उन्हें यहां पर पारंपरिक पगड़ी पहनाई जाएगी और सबसे पहले वो राजमाधव राय मंदिर आएंगे। हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम राजमाधव राय मंदिर के बाहर मौजूद हैं। आप यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले सकते हैं, देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है वो पहले से यहाँ पर तैनात है। जो मंडी के शिवरात्रि महोत्सव की एक परंपरा रही है वो यही रही है कि सबसे पहले जितने भी देवी देवता हैं यहाँ पर वो राजमाधव राय मंदिर ही आते हैं और मुख्यमंत्री भी जब यहाँ पर आएंगे तो राजमाधव राय मंदिर में आकर सबसे पहले जो है वो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद फिर जो पारंपरिक जलेब है जिसे शोभा यात्रा कहा जाता है, स्थानीय बोली में उसे जलेब कहा जाता है, उसकी जो है वो शुरुआत होगी। जिला भर के 216 देवी देवताओं को जो है वो आमंत्रित किया गया है और उसमें से कितने देवी देवता इस बार महोत्सव में आए हुए हैं उन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो सर्व देवता समिति है उसके प्रधान शिवपाल शर्मा जी मौजूद है। सर, कितने देवी देवताओं को निमंत्रण है और कितने जो है इस बार महोत्सव में आए हुए हैं? हमारे से 216 देवी देवता पंजीकृत किए गए हुए हैं, उनको प्रशासन द्वारा निमंत्रण दिया जाता है, इसमें भी सभी को निमंत्रण दिया हुआ है और इस टाइम हमारे 175 देवता आज पहुँच गए हैं और बाकी देवता पहुँच जाएंगे, भावना है कि 192 तक पहुँच जाएंगे, ये संभावना है। इसके अलावा हमारे पास अनरजिस्टर्ड देवते आए, उनमें 70 की संख्या हो चुकी है, 70 के भी आ सकते हैं, उनका भी अंदेशा रहता है कि 100 तक पहुँच जाए। तो अगर मंडी की शिवरात्रि की बात करें, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक भाई साहब है यहाँ पर, इन्होंने पहले से पगड़ी लगाई है और शिवरात्रि की जलेब के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कितना उत्साह जो है शिवरात्रि के लिए? काफ़ी उत्साह है हमारे को शिवरात्रि का। ये छोटी काशी जानी जाती है मंडी, तो शिवरात्रि का हमारे को काफ़ी उत्साह है। पगड़ी बनवा ली आपने सुबह सुबह? हाँ, सभी ने बनाएंगे, ये हमारा कल्चर ही है यहाँ का। प्रधान जी, अगर हम थोड़ा सा इतिहास जानना चाहें, शिवरात्रि पिछले कल हो चुकी, देश भर ने शिवरात्रि मना ली, लेकिन जो शिवरात्रि का महोत्सव है वो मंडी में आज से शुरू हो रहा है, देवी देवताओं का भव्य मिलन होता है, क्या इसके पीछे की कहानी अगर आप संक्षेप में बताएं तो? जहाँ तक हमारे शिवरात्रि की बात है, ये हमारे भूतनाथ जी से कंसर्न रखती है कि भूतनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, महाशिवरात्रि कहा जाता है। ऐसे तो हमारे एक महीना पहले जब से तारा स्टार्ट हो गई थी तो हमारे भूतनाथ के ऊपर राजा महाराजा भी मक्खन चढ़ाते थे और उनकी पूजा करते थे। उसके बाद जब शिवरात्रि महाशिवरात्रि होती है, मक्खन उतार दिया जाता था, पूर्ण रूप में इनको पूजा की जब दी जाती है। कहने का मतलब है कि जहाँ तक मेरे हमारे यहाँ देवताओं का संबंध रहा, तो देवते यहाँ 1527 में इसकी भूतनाथ की स्थापना हुई थी, राजा अजमेर शहर ने की थी, उसमें कुछ एक देवता, 4-5 देवता बुलाए गए थे जो नज़दीकी थे, जैसे हमारा बूढ़ा बिंगला है, परासुरुण का, राजों का जो कुल देवता है, ऐसे कुछ देवता चुनने बुलाए गए थे। तो चौटा में जहाँ प्रांगण है वहाँ उस रात्रि बनाई थी। उसके बाद जब 1705 के बाद 1705 में राजा विजय सेन जी हुए, उस टाइम से पूर्ण रूप में रात्रि बनाना स्टार्ट हुई और देवते भी इसमें बुलाने लगे। तो शुरू में तो बहुत कम देवते आए, बाद में जो है रियासत काल में 69 देवता जो हिस्टोरिकल है वो आना स्टार्ट हुआ। 1705 में क्योंकि राजा के जो पुत्र थे वो खत्म हो गए, 18 के 18 पुत्र, तो महादेव राजा जी ने, विजय सेन ने महादरा को अपना राजपाट सौंप दिया, जो हमारे यहाँ राय माधवा जी है, हमारे जो कृष्ण स्वरूप है, अपने आप छड़ी बाजार बन गए। उसके बाद 1705 में जो अंकित मूर्ति में किया हुआ है, माधवराय जी देवताओं के अध्यक्ष बने और उस टाइम से ही शिवरात्रि जो है पूर्ण रूप से बनाई जा रही है आज तक बाजी। चलिए, तो इसका एक लंबा इतिहास जो है वो मंडी की शिवरात्रि का है। हम आपको बता दें कि जो 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव है उसमें मुख्यमंत्री जो है इसका विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। पड्डल मैदान है, वहाँ पर भव्य मेला सजा हुआ है, जो मेला तकरीबन 1 महीने तक जो है वो जारी रहेगा। सरस मेले का आयोजन जो है इस बार शिवरात्रि महोत्सव में किया जा रहा है, जिसमें जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके जो लोग हैं जिन्होंने हाथों से उत्पाद तैयार किए होते हैं उन्हें बिक्री करने के लिए यहाँ पर जो है वो मंच मिलेगा और उसके साथ साथ यहाँ पर 6 सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन भी किया जाएगा। आज की जो पहली सांस्कृतिक संध्या है उसमें जो हंसराज रघुवंशी है, जो भजन गायक हैं, उन्हें जो है यहाँ पर बुलाया गया है, जो दर्शकों का जो है वो मनोरंजन करेंगे। इस प्रकार से जो 6 अन्य सांस्कृतिक संध्या है उसमें भी अलग अलग कलाकारों को, कोई पंजाबी कलाकार है, कोई फिल्म इंडस्ट्री से कलाकार बुलाए गए हैं और स्थानीय जो कलाकार हैं उन्हें भी जो है वो यहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका दिया गया है। अब इंतजार जो है वो मुख्यमंत्री के यहाँ पर आने का है। जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर राजमाधव राय मंदिर में विधिवत रूप से पूजन करके शोभा यात्रा में शामिल होंगे और इस 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज।